वरी खानी नहीं, अरिफ खानी नहीं, मरहूम कैप्टन अयूब नहीं, अब्दुल हमीद तक ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। और हमने हिंदुस्तान 1947 में जब पार्टीशन हुआ तब चुना तो हमने बाई चांस नहीं चुना, हमने बाई चॉइस चुना है। ये हमारी मां भारत है। हमें फक्र है हिंदुस्तान की इस मिट्टी में पैदा होने का और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में समा जाने का, क्योंकि जब भी दुश्मन देश हमारे देश की तरफ नजर करते हैं तब एक बात उठ के आती है कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा गंगा हमारे लिए, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, तो यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए और मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों के व कब्र में दफन हमारी मैयत के कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय हो। मेरे मित्रों, ज्यादा न बोलते हुए मैं तो अपनी एक ही बात कहूंगा कि मुबारक खान जैसे वीरों से हमें, इन वीरों बहादुरों से सबक लेना चाहिए, और सबक ये लेना चाहिए कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा गांव हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, हमारा धर्म हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, हम जिस माँ के आगोश में रहते हैं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और ये हमारे कुरान ने भी फरमाया है कि आप जहां रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, वो आपके लिए अपनी जान होनी चाहिए, और माँ भारती हमारी जान है, इसका नमूना मुबारक खान है। इसलिए एक बात कहते हुए अपनी बात वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जहां इतना बुद्धिजीवी मंच बैठा हुआ मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति ज्यादा बोले, अदब इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि उस बात में आप मेरे साथ शामिल होंगे। खुदा मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, जिधर भी देखूं मेरा वतन दिखाई दे, हो हवा की कुछ ऐसी मेहरबानियां, बोलूं जो जय हिंद तो सारे विश्व में सुनाई दे।